अगर अभी तक आपने मिर्च मसाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को टैप कीजिए रोज एक नई रेसिपी के लिए। करेला बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने इतने बड़े साइज का करेला लिया है। आप चाहे तो छोटे साइज का भी ले सकते हैं। छोटे साइज का करेला में आपको बीज से कीड़ा निकाल के उसका बीज निकालना है, और बड़े साइज का अगर आपके पास करेला है तो उसको थोड़े बड़े बड़े साइज में हम काट लेंगे। आप देखिए मैं कितने बड़े बड़े साइज में से काट रही हूँ। आपको इतने बड़े बड़े साइज में करेला को काट लेना है। मैंने एक बड़े करेला का 5 भाग किया है इतने बड़े बड़े साइज में। और मैंने यहाँ पे गैस पे पानी उबलने के लिए डाला है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और हम इसे उबालेंगे पानी को। देखिए हमारा पानी उबलने लगा है। अब हम इसमें ये करेले को डाल देंगे और हमें इसे उबालना है। आप चाहे तो ढक के उबालिए या फिर आप खुला भी उबाल सकते हैं। दोस्तों अब देखिए मेरा करेला उबल चुका है। अब ये पूरी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसका बीज निकालेंगे और हम मसाले के लिए हमें करेले के भरावन के लिए हमें एक बड़े साइज का प्याज मैंने लिया है। वो आप कितना करेला भर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। मैं एक करेला को काट के मैं उबाल के उसे बना रही हूँ, इसलिए मुझे एक बड़े साइज का मैंने प्याज लिया है। मैंने 10 पीस मैंने लहसुन लिया है। मैंने एक बड़े चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है। 1/2 चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है। मैंने तो 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। थोड़ा मिर्च मैंने लिया है, लाल मिर्च जो हम खाते हैं। आपको जितना तीखा पसंद है उस हिसाब से लीजिए। और हमें थोड़ा आमचूर पाउडर लगेगा। अब हम करेला का हम इसे इसका अंदर का बीज निकाल लेंगे। हमें अभी देखिए मैंने इसका बीज निकाल लिया है। हमें इसी प्रकार से सारे करेले का बीज निकाल लेना है। हम इसे इस तरह से अच्छे से निकाल लेंगे इसका बीज। हमें इसी तरह से सारे करेले का बीज निकाल लेना है। तो हम मिक्सी के जार में ये करेले का बीज डाल देंगे। फिर ये हम कटे हुए प्याज हम इसमें डाल देंगे और ये लहसुन हम सबको पीस के हम एक पेस्ट बना लेंगे। मैंने प्याज बीज और लहसुन को पीस के एक पेस्ट बना लिया है। अब मैंने गैस पे कढ़ाई गर्म होने के लिए डाला है। अब ये गर्म हो चुका है। अब हम इस पेस्ट को इसमें डाल देंगे और हम इसे लाल होने तक थोड़ा भून लेंगे। अब इसमें ये सारे सूखे मसाले भी मिला दीजिए और इसे आपस में मिक्स करके इसे लाल होने तक भून लीजिए। इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। आप जितना नमक पसंद करते हैं उस हिसाब से इसमें नमक मिलाइए और इसे आपस में अच्छे से मिला लीजिए और इसे थोड़ा लाल होने तक भूनते रहिए। ये मसाला लाल हो चुका है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार आमचूर पाउडर यूज़ करेंगे। अब जितना खट्टा पसंद करते हैं उतना डालिए। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे आपस में। उसके बाद इस गैस को हम बंद कर देंगे और इसे हम मसाले को थोड़ा देर ठंडा होने के बाद इसे करेले में भरेंगे। मसाले को मैंने ठंडा कर लिया है। अब हम करेला लेंगे।
इसके बीच के होल में हम मसाला को फिल करेंगे इस तरीके से। हमें इस तरफ से भी ध्यान रखना है कि इस तरफ से निकल ना जाए, और हम इसे ऊपर से सारे मसाले को फिल करते जाएंगे। इस तरीके से हमें मसाला करेला के अंदर फिल करना है। इसी प्रकार से हमें सारे करेले को फिल कर लेना है। देख रहे हैं, मैंने सारे करेले को भर लिया है मसाला। अब हम मैंने एक दो छोटे चम्मच मैंने चावल का आटा लिया है। अब हम मैंने इसे पानी से घोल लिया है और मैंने कढ़ाई में तेल डाला है। इसे हमें डीप फ्राई नहीं करना है, इसलिए जितना ज़रूरत है हम उतना ही तेल लेंगे। और अब हम करेले को चावल के आटे में अच्छे से लपेट लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, जब आप खा रहे हो तब करना है, नहीं तो ये चावल का कुरकुरापन चला जाएगा। और हम इसे कढ़ाई में इस तरीके से डाल देंगे और हम इसे लाल होने तक, करेले को लाल होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। हम इसे चारों तरफ से इस तरह से घुमा लेंगे। आप चाहे तो गैस के आंच को ज़्यादा भी रख सकते हैं। लाल होने तक फ्राई करते रहेंगे। आप देख रहे हैं कि आपका करेला लाल हो चुका है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए और गर्मा गर्म ही सर्व कीजिए।